पीछे हो जाइए थोड़ा सर। पीछे ऐसा है कि प्रशांत जो है वो भी काशी विद्यापीठ का छात्र था और एक्चुअली 8 महीने पहले जो चुनाव हुआ था इलेक्शन उसमें कोई भी अगर पोस्ट डालता था हम लोग के उस पर तो वो कमेंट में जाके फालतू मतलब लिखता था। मैंने भी एक पोस्ट डाला था उसमें उसने कमेंट फालतू किया था। उसके बाद हम लोगों की लड़ाई हुई मैसेंजर में, हम लोग की लड़ाई हुई, गाली गलौज हुआ। वो बोला मैं तुमको मारूंगा, मैं बोला तुमको मारूंगा। उसके बाद जो रोहित नाम का मेरा फ्रेंड है उससे मात्र उसी के 10 दिन बाद एक मैनेजर थे क्रिस्टा के उनसे लड़ाई हुई गई। तो उसने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी बात है और मुझे जॉब से मारने के लिए वो बोला था और जॉब से बोला कि निकाल देंगे तुम्हें। कौन सी, वो कोई लड़की थी? नहीं, वो कोई लड़की नहीं थी, रोहित, जो रोहित अभी जेल गया है उससे क्रिस्टा के मैनेजर से लड़ाई हुई थी तो उसने मुझे बताया था। उसके बाद फिर मैंने बोला लड़ाई अब ये तो नहीं पता, जिस वजह से भी हुआ हो उन लोग की हुई थी और वो जॉब से निकालने के लिए रोहित को बोला था। तो रोहित ने आके मुझसे बताया तो मैंने पूछा कि कितने बजे वो निकलता है, तो उसने बताया 9:30 बजे। तो फिर मैंने रोहित को व्हाट्सएप पे प्रशांत की आईडी सेंड की, मैंने पूछा कि क्या ये भी वहीं जॉब करता है, तो उसने बताया हाँ ये पूमा में वहीं जॉब करता है। उसके बाद मैं गया वहाँ पे, वो रोहित मुझे दिखा के चला गया 9:30 बजे। मैंने 3-4 थप्पड़ जो मैनेजर था उसको मारा और रोहित वो जो प्रशांत नाम का लड़का था उसको भी मैंने मारा। उसके बाद फिर ये मैटर ख़त्म हो गया। फिर 2 दिन बाद वो 2-3 नंबर से कॉल करके फिर से कि गाली गलौज देना यही सब करने लगा। उसके बाद सारा मैटर ख़त्म हो गया था। फिर हम जेएचबी भाई हम लोग 2-3 लोग गए थे। शॉर्ट में बताओ। हाँ जेएचबी गए थे भाई। छोटी बहन का क्या मामला? नहीं ये सब ऐसा कुछ नहीं है, लड़की का यहाँ पे कोई मामला नहीं था। उसके बाद से 8 महीने के बाद घटना वाले दिन गया था वहाँ पे, मतलब 2-3 मेरे फ्रेंड थे हम लोग गए थे शूज लेने। हाँ और एग्जिट वाले डोर से एंट्री किए थे। उसके बाद मैं जाके शूज उसको पसंद नहीं, बस मैंने इतना पूछ दिया कि प्रशांत कहाँ है, तो जो हर्षित मैनेजर था उसने पूछा कि वो मुझे लगा देखने कि ये ऐसा क्यों पूछ रहा। तो वो जाके विशाल सिंह जो जिसको गोली लगा है उससे जाके बोला कि एक लड़का आया था पूछ रहा था। मॉल के अंदर हथियार कैसे लेके चले गए? हथियार एग्जिट डोर वाले से गए थे हम लोग हथियार लेके। किसी ने एंट्री नहीं, किसी ने कोई एंट्री नहीं कराया था, वो अपने से चला गया था। उसके बाद फिर वही सब लोग आए और मुझसे पूछने लगे क्यों पूछ रहे थे प्रशांत को, मिलना है? मैंने बोला कि हाँ मिलना है। तो बोला चलो ठीक है अंदर चलो। अंदर गए तो 7-8 लड़के थे, घेर लिए, सब मारने का प्लान बना लिया मुझे। उसके बाद एक ने मुझे धक्का दिया, उसके बाद मुझे डर लगा, मैंने पिस्टल अपना निकाल के बोला मैंने कौन मुझे मारेगा। उसके बाद सब शांत हो गए, फिर मैं अपना पिस्टल अंदर रखा, बाहर आने लगा। तब तक पीछे से आके 10-12 सब दबोच लिए मुझे, पटक दिए, मेरा पिस्टल छीन लिए। तब तक जो मेरा फ्रेंड था वो बाहर चला गया था, जब देखा मुझे मार रहे थे लोग वापस आया फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद फिर मुझे नहीं पता कि वो लोग कहाँ गए। कुछ अफसोस है इतनी बड़ी घटना? जी अफसोस जी है, बहुत बहुत ज्यादा अफसोस है। आलोक उपाध्याय को गिरफ्तार किया गया है, अन्य 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। सर इसमें क्या कोई जख्मी भी हुआ था कल धरपकड़ में कोई पुलिस की तरफ से? कल गिरफ्तारी करते समय हल्की चोटें कुछ पुलिस कर्मचारियों को आई थी, कोई विशेष चोट उसमें नहीं आई। सर ये जो 4 लोग इसमें अक्यूज्ड हैं जो पकड़ लिए गए, उनका बैकग्राउंड क्या है, करते क्या है? आलोक उपाध्याय ये पढ़ाई करता है काशी यूनिवर्सिटी में और कोई एक डिप्लोमा ये करता है, मैनेजमेंट संबंधित कोई डिप्लोमा ये करता है और इससे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करके घटना के संबंध में जो है लिंक्स एस्टेब्लिश की जा रही है। जो बाकी फरार हैं जो उनके बारे में क्या जानकारी, क्या नाम है? अन्य 2 लोगों के बारे में भी जानकारी हुई है पर अभी उनके बारे पूरी तरह से अंडर इन्वेस्टिगेशन है, बाकी उनकी गतिविधियाँ अंडर इन्वेस्टिगेशन है उसके बारे में। पहले से भी कुछ चार्जेस हैं क्या सिगरा थाने में, जैसे कि सुनने में आ रहा है कई घटनाएं और भी कई जगह पर? कोई ऐसी बात संज्ञान में नहीं आई है, हालांकि उसके ऊपर 3-4 मारपीट के मुकदमे जरूर दर्ज है जिस संबंध में जो है चार्जशीट जो है पहले प्रेषित की जा चुकी है। लड़की भूमिका क्या है, उसकी गर्लफ्रेंड कोई कानूनी कार्रवाई? इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है लड़की की भूमिका के बारे में कि घटना में उसका कहां तक रोल था, इसके बारे में और पूछताछ करके हम लोग कार्रवाई। चारों का पता सर कैसे चला, कुछ सीसीटीवी फुटेज वगैरह या आई विटनेस के बेसिस? सीसीटीवी फुटेज और आई विटनेसेस और प्यूमा स्टोर के जो लोग थे उनके द्वारा जो घटनाक्रम बताया गया था उसके आधार पर इन 4 लोगों को चिन्हित करके इनकी गिरफ्तारी की गई।